ओ ये क्या है? अच्छा यहाँ करोगे तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से फिर कृतेज कलेक्ट कर लेगा। ऐसे जो बाथरूम है ना, इनके फायदे बहुत हैं। अब जैसे कृतेज जैसा लड़का है उस, वो क्या सीधा नहीं मुट पाता है, ऐसे ऐसे करके मुटता है दीवारों पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओ भाई क्या है? हाँ मेरे भाई सहरा तो लगा लो। आपका एक नया ब्लॉग वीडियो में। तो भाइयों इस वक्त मैं हूँ पालम मेट्रो स्टेशन पे और मैं इंतजार कर रहा हूँ कृतेश का, शशांक का और भारत के हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। कैसे हो भाई? थैंक यू भाई। कैसे भाई? पालम में घूमने आऊँ। आप अकेले और कोई नहीं है? भाई दोस्त का वेट कर रहा हूँ यार। दोस्त ना थोड़े सोच समझ के बनाना। ये भाई ऐसे दोस्त है, मेरे को बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ, 300 मिनट हो चुका बैठे बैठे। भाई शशांक को देखा आपने? कृतेश को देखा? एक बार जेब चेक कराओ। शशांक, कृतेश है ही नहीं यार यहाँ पे। शशांक अबे कहाँ है यार, ये लोग मिल ही नहीं रहे। कृतेश? हाँ जी, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे साले कृतेश, शशांक, अरे ये तो यही दोनों है, कैसे हो? फाइनली भाई मिल गए यार, मेरे को मिल गए कृतेश, शशांक और तुम तीनों मिल गए यार। तुम्हारा नाम डैनियल है? डैनियल? डैनिश तो नहीं है भाई? इंग्लिश नेम भाई, नाम सुनो उसका डैनियल। पबजी आईडी का नाम होगा। किसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं कृतेश और शशांक और हम चल दिए एक नए सफर पे। चलो एक मिनट, लेट क्यों हुए पहले ये बताओ। मैं पागल हूँ जो बोले 300 मिनट वेट कर रहा हूँ इनका? भैया ये क्या बताया, मैं बताता हूँ। बता क्या हुआ? हम लोग तैयार हो गए, हम लोग घर से निकलने वाले थे, इससे कॉल आया कि इसको पोटी आ गई। पोटी? अरे भाई क्या हाल है? सब बढ़िया। पता है आपको इसको पोटी आ गई? अब ये कह रहा भाई इसको लूज मोशन हो गया, हर 15-20 मिनट में इसको पोटी आ रही है। हर 15 मिनट में हग रहे हो तुम? 15 मिनट नहीं, अभी भी आ रही है इसको। मैंने बोला तो फिर काम करते हैं, इसे बाथरूम में ले चलते। चलो हो रहा है यहाँ पे आए भाई। क्यों भरोसा नहीं हो रहा यार? भरोसा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्योंकि इस एरिया में कौन आता है यार? वो ऐसे मत बोलो यार, पालम में चप्पल चोरी नहीं होती क्या? चप्पल चुराने आया हूँ तुम लोगों की। भैया अरे कहाँ गए? अरे भैया कहाँ गए? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, वीडियो देखता हूँ, मुझे बता दे एक सेल्फी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टॉयलेट म्यूजियम तो छोड़ दोगे ना? हाँ बहुत बढ़िया। अरे पहले सवारी छोड़ दो, मैं ले लूंगा फोटो। चलो चलो, एक भैया है ना फेमस यूट्यूबर, यूट्यूबर है ना फेमस है जो अपने वीडियो देखते हैं जो अपन, वो मिले मेरी गाड़ी पे बैठे। देखो वीडियो कॉलिंग करो, मैं दिखाऊँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टॉयलेट म्यूजियम, दुनिया का पहला टॉयलेट म्यूजियम। ऐसा म्यूजियम जो टॉयलेट के बारे में है। आपने ना सर रुमाल बांध रखा था ना, मैंने पहचान लिया था, पक्का आप ही होंगे। रुमाल में कैसे पहचान लिया? साले चील की निगाह मेरी। वो वाला वीडियो बार बार देखता हूँ। अरे वही वाला बार बार भी देख रहे हो, नई वाली भी देख रहे हो? भैया थोड़ा जल्दी चलो, इसको बहुत तेज़ पोटी आ रही है। जल्दी भैया जल्दी, उसका सूसू निकल रहा है। भाई बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे प्रेगनेंसी के वक्त लड़की को लेके नहीं जाते। ये जो पीछे दोस्त बैठा ना, ये जिसने कच्चा में मुट दिया। अरे ये कॉलेज है, सुलभ इंटरनेशनल कॉलेज, यहाँ पढ़ाई होती है? इच्छित की भी पढ़ाई है? ए हॉर्न में बजाओ, ब्लॉग बन रहा है। हाँ ये रहा कॉलेज के आ गया म्यूजियम। सर यहाँ आ जाओ, मैं सेल्फी ले लूँ आपके साथ। हाँ आ जाओ यहाँ, मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। चलो कितने हुए? अरे जो देना दे दो। अरे बताओ यार कितने देना था? दे दो। ओ भाई क्या है? हाँ मेरे भाई सहरा लगा लो। ये घोड़े की पूंछ। एंट्री करने से पहले मेरा एक सवाल है, जैसे कि नॉर्मल म्यूजियम होते हैं उनमें फोन अलाउड नहीं होता कुछ कुछ में, बताओ इसमें फोन अलाउड होगा या नहीं? यहाँ पे भी नहीं होगा। होगा क्यों भाई, बाथरूम में तो फोन अलाउड होना चाहिए ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा भाई। आज म्यूजियम जाना है, एंट्री कहाँ से? 3 नंबर गेट। तो टिकट भी वहीं से लेनी है? पैसे नहीं है म्यूजियम पे जाने के? पैसे नहीं है? लो भाई कर लो बात, इस म्यूजियम की एंट्री की टिकट ही नहीं है। तुझे पता मैं अभी एक ट्रिप पे गया था, दिल्ली से गया हिमाचल, हिमाचल से गया जम्मू, जम्मू से गया ऋषिकेश, ऋषिकेश से गया हरिद्वार। ये मैंने पूरी जर्नी करी थी ट्रेन से। स्टेशन पे वाईफाई फ्री है लेकिन सुसु पोटी के 5-5 रुपए लेते हैं। भाई ये कैसा बिजनेस मॉडल है यार, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। सोचो तुम्हारी उससे पैसा कमाया जा रहा है। आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आ जाए, जितना मर्जी रिसेशन आ जाए, ये तो करने ही जाओगे भाई। खोले क्या ये बिजनेस मॉडल? ले भाई ये कॉलेज भी नहीं स्कूल भी है, ये सुलभ पब्लिक स्कूल, स्कूल कॉलेज म्यूजियम तीनों है। भाई भूख लग रही यार बहुत तेज, कुछ खा के नहीं आया मैं, पता तुम्हें क्यों? क्योंकि तूने नॉर्मली देखा होगा ह्यूमन बिहेवियर होता है, जब हमारे सामने खाना होता है तो खाने को देख के भूख लग जाती है। अब यहाँ तो इतने सारे पॉट रखे होंगे तो पॉट देख के अगर पॉटी लगी तो म्यूजियम इस तरफ नहीं, यहाँ नहीं इस तरफ, म्यूजियम इस तरफ नहीं इस तरफ। वो एक मिनट, हम ऐसे जा ही नहीं सकते। क्यों भाई ऐसे नहीं जा सकते, चप्पल उतारो भाई। लैटरिन की तो अलग चप्पल होती है ना। मैं इन लोगों के घर कभी आया नहीं हूँ पर मुझे ये भी पता है कि इन लोगों के घर पे भी लैटरिन की अलग चप्पल होगी। तुम्हारे यहाँ है वैसे ईमानदारी से है ना? ये क्या कर रहा है, कसम खा रहा है? भैंस क्या मेरी कसम क्यों खा रहा है लैटरिन की चप्पल के लिए बताओ? ये मेरी वैल्यू है कि लैटरिन की चप्पल हाँ या ना बोलने के लिए मेरी कसम खा रहा है। गजब बेइज्जती है। तुम खरीद के लाते हो या बनाते हो? खरीद के लाएंगे। खरीद के लाओ, हमारे यहाँ तो बनाई जाती है। कैसे? जैसे होली हुई, होली वाले दिन जो चप्पल यूज करी उस पर रंग चढ़ गया, फिर क्या होगा, वो पूरे साल लैटरिन की चप्पल बन जाएगी। हमारे यहाँ तो भाई साहब होली पे जो कच्चा होता है उसको भी फेंका नहीं जाता, उसको स्कूटी साफ करने का कपड़ा बना देते हैं। मौसी जी पैरी पोना। इसी के साथ शुरू करते हैं टॉयलेट म्यूजियम का टूर। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि
एक टाइप का टॉयलेट है जो पहले हुआ करते थे ऐसे ओपन में, तो पहले ऐसे गेट नहीं होते थे, पर्दे वगैरह लगाते लोग और अंदर आप भाग सकते जैसे छोटे बच्चे के साथ नहीं खेलते। यहाँ लिखा है चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चा पाओ किलो का होता है उस हिसाब से बना हुआ है। भाई आप लोगों ने कभी सोचा था कि विभू आप लोगों को टॉयलेट का सिनेमैटिक दिखाएगा? वो ये क्या है? अच्छा यहाँ करोगे तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से फिर कृतेश कलेक्ट कर लेगा। अच्छा उसका मुंह सामने था, इसका पीछे हो गया। वाह भाई वाह। भाई सुनो थोड़ा ना देख के खोलना, कहीं ऐसे ना कोई सच में अंदर हग रहा हूँ। ये सीवेज है नीचे, ये जो गड्ढे गड्ढे है ना, ये मैं सोच रहा मारियो निकलेगा इसमें से। ये आपको पता है जो हमारी पैर की टॉयलेट हुआ करती ना वो बहुत इको फ्रेंडली हुआ करती थी। कैसे? जो ये है ना, ये मतलब जौ हो गया, गेहूं हो गया, उनकी ये खाड़ू है। ये जौ है? अबे जौ तो ये है। अबे साले ऐसे जो बाथरूम है ना इनके फायदे बहुत है, दीवार वाले से अच्छे फायदे। अब जैसे कृतेश जैसा लड़का उस वो क्या सीधा नहीं मुट पाता, ऐसे ऐसे करके मुटता है दीवारों पे, तो क्या ये सोख लेती है फिर। ये क्या है? गन्ने के जूस की मशीन। ये देख, ये देख, ये देख क्या लिखा है, कैपेसिटी 3 या यूजर 10, मतलब 10 लोग इकट्ठे हक सकते हैं। ये देखो ये पता है क्या, ये प्राइवेसी है। जैसे पहले क्या था, वो पर्दा था, ओपन था, कोई देख सकता था आपको। यहाँ पे क्या क्लोज कर दिया, कोई देख नहीं सकता आपको। देख मैं जाके दिखाता हूँ, एक बंदा कोई देख पा रहा है? हां भैया ये देखो ऊपर देखो। अच्छा ऊपर से खुला हुआ है ये तो थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हो गई। हां ये है, ये देखो ये है बंद वाला, इसके अंदर प्रॉपर बंद है। देखो मैं दिख रहा हूं भाई, बोर्ड गड्ढे हैं ये तो। इसमें तो प्रिंस चला गया था, प्रिंस नहीं पता, खाली 90s के बच्चों को पता होगा। एक लड़का था प्रिंस जो गड्ढे में फंस गया था, बहुत फेमस न्यूज है। ओए आजा कंचे खेलते हैं। कंचे अबे रुक जा पागल, क्यों छुरा पड़ तो ले। हार्ड बॉल कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, समझे? ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसकी हार्ड बॉल। भैया ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, ह्यूंडई क्रेटा है। हाँ ये है, इसमें अगर हम हगेंगे तो कोई नहीं देख पाएगा। ये तो मेरे को पहले ही पता था, आप आए नहीं। कुंडी भी लगी हुई है, अब कैसे आओगे? भैया ऊपर देखना भाई, कुंडी का क्या फायदा फिर, चैन से हगने भी नहीं देते। भाई ये क्या है? भाई मजाक मजाक में अंदर तो आ गया, फंस गया भाई। ओए पागल है, निकालो इसे। मेरे को अंदर कह रहे कि अंदर खजाना है, चले जाओ। ये देख ऊपर वेंटिलेशन दे रखा है ना, जो तू मुझे अब तक देख पा रहा था वो इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वेंटिलेशन नहीं थे उसमें। इसमें वेंटिलेशन है तो मतलब आगे से बंद होगा, अब कैसे देखेगा मुझे? अब देख के दिखा मुझे हंसते हुए, देख पा रहा मुझे बता? ऊपर देखना भैया। हाँ वो चीटिंग करता है तू। ये शायद मॉडर्न वाला है, ओरिजिनल वाला है। रियल? अच्छा ये ओरिजिनल है, रियल? अच्छा मुझे लगा ये भी म्यूजियम है। एक बार हाथ दिखा। मान ले तू यहाँ पे सुसु कर रहा है, तो तेरे को ऐसे सुसु करना है कि दिल बने सामने दीवार पे, तो कैसे करेगा बता? भाई बहुत अतरंगी जगह, भाई बहुत अतरंगी जगह। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे एक और सिनेमैटिक बनता है। तू थोड़ा सा बैठ। ये देखो ये बुड्ढों के लिए पॉट है, जो पूरा बैठ नहीं पाते ना नीचे तक, तो ये ऊपर ऊपर तक बैठ जाएंगे। तो भाइयों ये तो आउटडोर वाला म्यूजियम हमने आपको दिखा दिया, अब चल रहे हैं इंडोर, अंदर और तरीके के पॉट है। ओ बेटे बड़े भैंस की आंख। ओ भाई इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। अभी तक मैंने तुम लोगों को दिखाया म्यूजियम के बाहर का हिस्सा, लेकिन अगले व्लॉग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा म्यूजियम के अंदर का हिस्सा, जहाँ पे मैंने देखे विदेशी अजीब अतरंगी पॉट जिनको देख के मेरा तो दिमाग ही हिल गया। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक इस व्लॉग को आप लोग जाते जाते लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कॉमेंट नीचे लिख देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय। जी करदा कपताना हाँ जल से नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हाँ जल से नचने तो मेरा अज जी करदा।